वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। यह हम लोग का एपिसोड 11 है। अब तक हम लोगों ने 10 एपिसोड्स कर लिए हैं। आप लोगों ने देखने लिए देखा होगा, अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। काफी एक्साइटिंग टॉपिक है, हमने लिख के आए हो तो पता होगा डेफिनेटली। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ आज होस्ट डेफिनेटली मैं हूँ और स्पीकर हमारे सर ही है, रजनीश कुमार सर। एंड पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, चाइना ने पिछले साल क्या क्या था? आज ही के दिन 16 जून के दिन यह न्यूज आई थी मीडिया में, एक खबर आई थी पिछले साल 2020 में कि चाइनीज सरकार ने लद्दाख में जो उसके थिएटर कमांडर मिलिट्री कमांडर थे, भारतीय सेना के अफसर को गलवान घाटी में बुलाए थे बातचीत के लिए, और बातचीत के लिए बुला करके और एकाएक उन पर हमला बोल दिए लोहे के रॉड से। उसमें कांटेदार वायर लगे हुए थे और डंडों से। इसके कारण 20 के आसपास भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी, और चीनियों ने कहा था उसके 2-4 सैनिक ही मरे हैं, लेकिन बाद में जो आज तक एक साल बीतने पर अभी तक यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि चीन के भी 40-45 सैनिक मर गए थे, और चीनियों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं भी किया था। उसी पे चीन में ही चीनिंग है जिनके लगभग 25 लाख फॉलोअर थे, उन्होंने भी एक ऑथेंटिक ब्लॉग में लिखा चीन सैनिक मारे गए, और बाद में कन्फर्म हुआ कि 45 मरे थे चीन के झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के लोकल कमांडर कर्नल साहब को बुलाया बातचीत के बहाने, झड़प में वो शहीद हो गए थे। सम्मानित किया मरणोपरांत, भारत ने सम्मानित कर चीन अपनी घाटी के दिन गलवान घाटी में झड़प हुई। वीर सैनिक बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे, हमारे आसपास के काफी लोग शहीद हुए, सबको मैं अंजलि देता हूँ। मखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है कि मेरी अभिलाषा नहीं कि चढ़ू देव पर इखलाओ, हे मालिक तोर लेना फेंक देना उस पर जिस छत पर से मातृभूमि के शीश चढ़ाए जाने वीर। अब भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए, उन सबको याद कर प्रयास करके श्रद्धांजलि, वहाँ के लीडर कैप्टन संतोष बाबू सर को भी, सबको। हाँ जी, डेफिनेटली। तो यहाँ पे चाइना, आखिर चाइना की मानसा क्या है? दूसरा सवाल, पिछली बार जो गलवान घाटी में जो अक्रेंस हुआ था वह माने किसी भी सभ्य राष्ट्र कहा नहीं जा सकता, माने उसकी निर्लज्जता, गांव में ऐसे लोगों को निर्लज बेलज क्या क्या नहीं कहा जाता है। पूरा दुनिया चीन के फैलाए कोरोना वायरस से कड़ा रहा था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, पूरी दुनिया में डेली हजारों लोग मर रहे थे, और हर जगह के लोग चीन की थू 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 कर रहे थे, और ऐसे समय में अपनी निर्लज्जता को छुपाने के लिए पूरी दुनिया में मांग उठ रही थी कि चीन पर युद्ध अपराध का एक केस दर्ज किया जाए यूएनओ में, और चीन को प्रोसिक्यूट किया जाए, उसे दंडित किया जाए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए निर्लज्जतापूर्ण कार्रवाई करते हुए दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे समय में कोई झगड़ा और झंझट बढ़ाने के लिए, उसने किया क्या कि गलवान घाटी जो लोग जानते हैं देवसांग प्लेन, उसमें गलवान नदी है, एक नाला है वहाँ, छोटी छोटी नदी नाले के जैसे ही होती है, तो जब बरसात होती है तो वो पूर्वी लद्दाख है। तो मैप को आप देखिए इस तरफ तो सियाचिन का इलाका है और पूर्वी लद्दाख, तो वो जो गलवान वैली इस तरफ गलवान वैली से ले और नीचे जाने पे, मतलब दक्षिण की तरफ जाने पे झील है, ठीक है। तो झील को तसो
आधे आधे से थोड़ा कम पे हम लोग के कब्जे में, हम लोग उस पर निगरानी करते हैं, और आधे से थोड़ा ज्यादा में वो लोग, हम लोग के जो आधे से ज्यादा थोड़ा कम हिस्सा है, मतलब दक्षिणी भाग है हम लोग के, दक्षिणी तट है उसकी, उत्तरी तट हम लोग के हाथ में, सॉरी, और दक्षिणी तट उन लोगों, हम आधे से थोड़ा इधर दोनों तरफ हम लोग है और आधे से उधर वो लोग, तो उसमें जहां पर हम लोग हैं उसको हम लोग फिंगर वन कहते हैं, वहां से लेकर के ना चाइनीज का क्षेत्र होता है उसको फिंगर 14, आज तक हम लोग गश्त करते हैं, आज से 14 के बीच में नो मैन लैंड, हाँ जी बिल्कुल, चुपचाप घुसना शुरू किया धीरे 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 धीरे, और तो भारत सरकार ने, भारत की जो सेना थी वहां पे, उसने आपत्ति जताई, उसने उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका, वो चीनी का हर जगह क्या करते, दो चार भेड़ बकरी घुसा देते भारतीय सेना, और जाके उसका फोटो ले लेते, बाद में वहां जाते मिलिट्री अफसर निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं तो पुराना फोटो दिखाते, देखिए हमारे चरवाहा यहाँ बकरी चरा रहा है, ये खेत चरा रहा है, भारतीय सेना तो जानती है उनकी स्ट्रिक्स को, तुरंत भारतीय सेना ने आपत्ति जताई और उनको पेट्रोलिंग से रोका, तो यह झंझट चल रहा, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, और पूरे दुनिया में चीनियों की थू थू हो रही थी, चीनियों को गाली दी जा रही थी, इस स्थिति में उन्होंने बुलाया, हाँ जी, और बातचीत के लिए बुलाया कि ठीक है क्या किया जाए, बातचीत से ही बात निपटता है, और उसी में बुला करके उसे क्या कहते हैं उसको, पंगोंग झील के इलाके में, झील का नाम है पंगोंग तसे, हम लोग पंगोंग पंगोंग, अच्छा, हाँ जी, और रात में अंधेरे में डंडे लाठियों से मारा, और जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके भी शहीद हुए, वो भारतीय सैनिकों के लोहा को चख लिए कि बिहार रेजिमेंट ने जो वीरता दिखाई और उनके सैनिकों को कूट दिया खाली हाथ, तो चीनियों को, हम लोग जो भारतीय सेना है चीनियों को कभी वीर नहीं समझते, ये धोखेधारी, धोखेधारी से ही लड़ते, ऐसा धोखाधड़ी तो भारत में गैंगस्टर भी नहीं करते, तो जो गुंडे मवालियों का जो गैंग होता है वो भी ऐसा नहीं करते, हाँ जी, ऐसे समय में बुला करके, बातचीत के लिए बुला करके धोखे से हमला कर देना, भारत में से गुंडे मवालियों का गैंग भी नहीं करता है, पर चीन बड़ी है, सभ्य लोगों की, सभ्य देशों की ये परंपरा है, ऐसी कार्रवाई करना, एक मिलिट्री ऑफिसर है